हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही प्रिटी लुक। सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे अपने फेस को, एंड आई एम श्योर कि आपने ये लुक ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस पे देखा था। और जो लुक मैंने रिक्रिएट किया है कैटी करके, वो US की है, सो उन्होंने भी मेरा ये लुक बहुत पसंद किया था क्योंकि मैंने उनका लुक को रिक्रिएट किया है। एंड दैट वाज फर्स्ट अटैम्प्ट एंड इट वाज सुपर्ब आउटकम। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फेस पे प्राइम कर लिया है, देन उसके बाद मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। डैबिंग मोशन पे इसको पहले अच्छे से स्प्रेड करेंगे, देन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो अगर आपने अभी तक वो इंस्टाग्राम की मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है एंड पोस्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेक करो इंस्टाग्राम दैट क्यूट गर्ल अनम, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन देयर। सो स्पंज लेंगे, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एंड जब तक अच्छा सा आउटकम नहीं आ जाता प्रॉपर ब्लेंडिंग के साथ, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं अब करने जा रही हूँ अपने बेस को लॉक जो कि लूज़ पाउडर से, और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे भी मेकअप करें, चाहे आप नो मेकअप लुक करते हैं, बिकॉज इससे आपके जो कंसिस्टेंसी होती है फाउंडेशन की वो टिकी रहती है और आपको स्वेटिंग नहीं होती है लॉन्ग लास्टिंग में। अब करेंगे ब्राउज को फिल। अब करेंगे हम आईज़ पे मेकओवर, जो कि सबसे पहले स्टेप है हमारा कंसीलर को अप्लाई करना। कंसीलर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे ताकि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे उसका अच्छा सा आउटकम आए। यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कंसीलर लगाया, देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। वन थिंग आई वांट टू शेयर, बहुत लॉन्ग टाइम से, क्योंकि जो मेरे आपने मेरे हाथ का कलर देख रहे हैं वो मेरे फेस के कलर से काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे मेकअप के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड कि मैं स्कूटी से डेली मेरा अप एंड डाउन था फिजियोथेरेपी के लिए, मम्मा को लेकर के जाना था, दैट्स वाई वो बहुत टैनिंग हो गई। एंड टैनिंग कैसे रिमूव करते हैं इसकी वीडियो मैं जल्दी लाने वाली मेरे यूट्यूब चैनल पर, स्टे ट्यून्ड। अब लेंगे हम ऑरेंज शेड में एक ट्रांजिशन कलर और इसको कॉर्नर वी से अप्लाई करेंगे अच्छे से ब्लेंड करते हुए पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। देन कॉर्नर वी बनाएंगे, थोड़ा सा आई शेड ज़्यादा लेंगे क्योंकि जो लुक है वो बहुत ही ऑसम है। एंड यू कैन सी, मैं अभी पिक्चर पोस्ट कर दूँगी साइड में कि मैं क्या लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट कि हाँ सेम लुक है कि नहीं। ओके टेक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश एंड उसकी हेल्प से अच्छे से आई शेड को ब्लेंड करेंगे जब तक कि प्रॉपर आउटकम ना आ जाए। यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग। एंड येस गेस आई हैव डिसाइडेड कि मैं मंथ में एक व्लॉग तो शूट करूँ आप सबके लिए और मेरे खुद के लिए फॉर माई एंटरटेनमेंट। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि मैं किस प्लेस पर जाके वीडियो शूट करूँ, एंड आई नीड योर सम सजेशंस, सो डू कॉमेंट नाउ। कैन यू सी द आउटकम जो आई शेड का आया है? इट्स टाइम टू टेक सम येलो आई शेडो ऑन फ्लफी ब्रश।
just blend the edges also. After finishing the upper eyes and now it's turned to lower line and same जो look create किया upper में and same as it is lower में करना है. I look complete. Did you wanna see the magic? Yoo-hoo! Let's do the finishing. Eyelash curler की help से eyelash को curl करेंगे as usual. Let's apply some mascara जो कि बहुत ही important step है after curling your eyelashes क्योंकि हम यहाँ पे कोई false lashes नहीं लगा रहे. Point to be noted. Apply blush also. And don't forget to apply lipstick, that is very important, guys. Haha, have some Kathak. Now, a chubby girl, I mean that cute girl Anam is ready. Yoo-hoo!